नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 1 11। लोकसभा चुनाव 2019 के चौथे चरण का मतदान चल रहा है और देश के 9 राज्यों की कुल 72 सीटों को मिलाकर मतदान चल रहा है। 71 सीटों और 72वीं सीट लोक यहां पर अनंतनाग है, जम्मू कश्मीर की, उस पर मतदान चल रहा है। बात बेगूसराय की करेंगे। बेगूसराय बिहार की हॉट सीट बनी हुई है और यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है और इस त्रिकोणीय मुकाबले को बनाने वाले इसमें से एक उम्मीदवार कन्हैया कुमार भी हैं। बात अगर उनकी करें तो उन्होंने आज अपना वोट यहां पर अपने मत का प्रयोग किया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कन्हैया कुमार पहुंचे और लाइन में लगकर अपने वोट का यहां पर प्रयोग किया है, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और साथ ही साथ इस दौरान जब वो वोट देकर निकल रहे थे उन्होंने अपने जीत का भी दावा किया है। हालांकि उन्होंने कई तरीके के आरोप अपने प्रत्याशी, अपने विरोधियों पर लगाए। गिरिराज सिंह को लेकर उन्होंने कहा कि कहीं वोट में भी उनको लोगों को वोट देने में दिक्कतें हो रही हैं और साथ ही साथ गिरिराज सिंह पर उन्होंने आरोप लगाया कि उनके समर्थक लोगों को वोट देने के लिए भी उनका विरोध कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कन्हैया कुमार की, जहां पर कन्हैया कुमार ने अपने वोट का प्रयोग किया और निकलते हुए अपने उंगली के लगे निशान को भी दिखाया और इसके साथ ही उन्होंने अपने जीत का दावा भी किया है। सास आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेगूसराय में क्या मजा है। बेगूसराय में आया है इस बार दल से नहीं, प्रेम दिल से वोट करेंगे, बेगूसराय को जिताएंगे, देश में संविधान को बचाएंगे। रही बात नेताओं के समर्थन की, मैं कहता हूँ कि नेताओं का गठबंधन लोकतंत्र में जरूरी नहीं, जनता का गठबंधन जरूरी है। जनता ने गठबंधन बनाया है, सब ने अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ी है और उसी लड़ाई का नतीजा है कि बहुत सारे लोग यहाँ अपना समर्थन देने के लिए आए। जो नहीं आ पाए उन्होंने अपना नैतिक समर्थन दिया क्योंकि वो उम्मीद पाले हैं बेगूसराय से। जब पूरा देश और दुनिया बेगूसराय को देख रहा है, मुझे भी उम्मीद है बेगूसराय के इतिहास में। अगर बात बेगूसराय में कर ले तो बेगूसराय में 12 बजे तक का अगर आपको अपडेट दे दे तो 12 बजे तक बेगूसराय में 24.60% मतदान हो चुका है। अगर पूरे बिहार की बात कर ले तो पूरे बिहार में ये 24.31% पूरे बिहार में मतदान का आंकड़ा 12 बजे तक का हम आपको बता रहे हैं। लोक बिहार का जो लोकसभा जनरल इलेक्शन और पोलिंग, ये जो आंकड़े हम बता रहे हैं ये आपको हम बता रहे हैं चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार। तो हम आपको बता रहे हैं कि गिरिराज सिंह के सामने बेगूसराय से सीपीआई के उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने अपने वोट का प्रयोग किया है और इस दौरान जब अपने वोट देके निकल रहे थे जैसे ही वोट देकर कन्हैया कुमार निकले उन्होंने अपने उंगली पर लगे निशान को दिखाया और जीत का दावा भी किया है। तो बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर मतदान चल रहा है जिसमें आपको बता दें दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर शामिल है। उसमें बेगूसराय की हमने आपको तस्वीर दिखाई कि किस तरह से वहां के जो त्रिकोणीय मुकाबला बनाने वाले उम्मीदवार कन्हैया कुमार हैं उन्होंने अपना वोट दिया और इसके बाद विक्ट्री चिन्ह भी दिखाया और साथ ही साथ जीत का दावा भी किया। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बन रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज 11। आप हमारे एंड्रॉइड लाइव टीवी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारी वेबसाइट news11.com पर क्लिक करके बिहार झारखंड के साथ साथ देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रह सकते हैं। नमस्कार। News 1 11 के वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।